यहाँ बगल में गोकुल है, पास में ही है। यहाँ के बहुत बड़े राजा थे जिनका नाम था वैखानस। बड़े अच्छे राजा थे, गोविंद के भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे। वह कृष्ण भगवान ने कथा युधिष्ठिर को भी सुनाई है। एक दिन की बात थी, उनको स्वप्न में उनके पिताजी रोते हुए दिखे। स्वप्न में पिता कह रहे थे, बेटा मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, मैं कष्ट में हूं, मैं यमराज के नरक में पड़ा हूं, अब मुझसे कष्ट सहन होता नहीं है। तो उस बच्चे ने पूछा, पिताजी वहां यमराज ने बताया तो होगा कि तुम्हें कष्ट क्यों है, मैंने तो सुना है कि तुम मंदिर बनवा के गए थे। हाँ बेटा मैंने मंदिर बनवाए थे, हमने सुना है कि आपने राजमार्ग बनवाए थे, पेड़ लगवाए थे, आपने कन्याओं का, अनाथ कन्याओं का विवाह किया था। तो उस मृत पिता ने कहा था, हाँ बेटा ये सब कुछ मैंने किया था, ये सब मैंने किया था, उसी के तो परिणाम में बेटा तूने हमारे घर में जन्म लिया, तू इतना अच्छा पुत्र बन के आया। तो पिताजी फिर ऐसी गलती क्या हुई कि तुम्हें नरक मिला? रो पड़े पिता, कहा पुत्र वैखानस मेरा खाता धर्म चित्रगुप्त जी ने खोला, मेरा आदर हुआ था, ऐसी बात नहीं मेरा आदर न हुआ हो, मेरा मान हुआ था, कहा गया था कि मंदिर बनवाने वाले लोग, बगीचे बनवाने वाले लोग, राजमार्ग बनवाने लोग भगवान को बड़े प्रिय होते हैं। बार बार मुझे कहा जा रहा था कि स्वर्ग भेजो, कोई कहता है नरक भेजो, फिर कहा गया कि स्वर्ग भेजो, फिर कहा नरक भेजो, आखिर में निर्णय यह लिया गया कि मुझे नरक भेजने को कहा। तो मैंने उनसे पूछा कि एक बार मेरी गलती तो आप बता दीजिए, मैंने तो सालराम भगवान पर तुलसी पत्र चढ़ाया, मैंने बहुत गंगा स्नान किया, फिर मुझे नरक क्यों भेजा जा रहा है? तब निर्णय पास हुआ और यह कहा गया कि मैंने एकादशी के दिन अन्न खाया था, मैंने एकादशी के दिन चावल खाए थे, मैंने एकादशी के दिन स्त्री से संपर्क किया था, मैंने एकादशी के दिन ग्यारस के दिन मैंने व्रत नहीं किया, और उसका परिणाम बेटा यह निकला कि मैंने जो भी धर्म सत्कर्म किए थे उनको दरकिनार कर दिया गया और मुझे नरक में फेंक दिया गया है, और मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। एक दिन धर्मराज आए थे यहाँ सबको देखने के लिए, मैंने यमराज के पंप पकड़ लिए, मैंने रो रो करके उनसे कहा था कि मुझे कोई मुक्ति का साधन तो बता दो। तो उन्होंने मुझे कहा था कि कई उपाय है तुम्हारे खानदान में, यदि तुम्हारे लिए कोई धर्म पुण्य कर दे तो तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा आत्मकल्याण हो जाएगा। मैंने उन्हें पूछा ऐसा कौन सा धर्म पुण्य करवा दूं? तो यमराज ने कहा कि तुम्हारे लिए यदि मृत्यु लोक में कोई एकादशी का व्रत करके तुम्हारे लिए समर्पित कर दे तो नरक से निकल करके तुम नारायण के धाम चले जाओ। और वह चाहते भी थे कि मैं नरक में न रहूं, क्योंकि गलती तो मेरी थोड़ी सी थी और मैंने पुण्य बहुत ज्यादा किए थे। ये स्वप्न में एक मृत पिता अपने पुत्र को बोल रहा था। यही गोकुल है ब्रज में, यही का अधिपति था वैखानस। रात निकली, प्रातः हुआ, सब लोगों से वो अपनी बात कह रहा था। लोगों ने कहा राजा पागल हो गया। राजा बड़ा परेशान था और वह वन में पहुंचा, जंगल में पहुंचा। उसको एक महात्मा मिल गए जिस ऋषि का नाम था महात्मा पर्वत मुनि। नदी के किनारे बैठे थे, उनके चरण पकड़ लिए। वैखानस राजा ने कहा, गुरुदेव आप ही मेरा समाधान करें, स्वप्न में मेरे पिता ने मुझे दर्शन दिया, एकादशी को वो अन्न खाते थे, उन्होंने जितने भी धर्म सत्कर्म पुण्य किए उनका कोई फल उन्हें नहीं मिला। सीधी सी बात है,
कोई व्यक्ति हजार काम कर दे इस राष्ट्र के लिए, अच्छे अच्छे काम कर दे, हजार कर दे, गिन के हजार कर दे, लेकिन एक कोई जबरदस्त गलती कर दे तो भारत सरकार ये थोड़े ही सोचेगी कि अरे इसने 1000 काम अच्छे कर दिए हैं, अब इसको दंड ना दो, इसको माफ कर दो। ऐसा नहीं होता। एक गलती होने पर हमारी 1000 किए गए अच्छे कामों को दरकिनार कर दिया जाता है और उस एक गलती का दंड मिलता ही है। तो इन्होंने रो रो करके कहा कि एक गलती की वजह से मेरे पिता नरक में दंड भोग रहे हैं, 1000 अच्छा किया है उसका सुख उन्हें नहीं मिल पा रहा है। पिता ने मुझे कहा है स्वप्न में कि यमराज ने कहा है कि तुम्हारे खानदान में कोई तुम्हें एकादशी दे दे तो तुम मुक्त हो जाओगे। गुरुदेव मैं तुम्हारे पास चल के आया हूं, मैं तो एकादशी के बारे में कुछ जानता नहीं हूं, आप मुझे बता दें मैं क्या करूं जिससे मेरे पिता मुक्त हो जाए। महात्मा पर्वत ने कहा कि तुम यही रहो। 4 दिन के बाद में अगहन शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी आने वाली है, यहीं रह करके तुम एकादशी का व्रत करना, द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराना, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि तुम्हारे पिता मुक्त हो जाएंगे। उसी आश्रम पर रह करके राजा वैखानस ने आज वाली एकादशी है जो शुक्ल पक्ष को आज आई है यह वाली एकादशी करी, दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को जैसे ही भोजन कराया विमान पर पिताजी फूल बरसा रहे थे, कहते हैं बेटा बेटा हमारा आशीर्वाद है तेरे लिए, नरक से स्वयं धर्मराज मुझे बाहर निकाल कर आए, नारायण ने दिव्य विमान भेजा है और पुत्र मैं भगवान नारायण के धाम में जा रहा हूं इस मोक्षदा एकादशी के प्रभाव से।